साइकिलिंग के एक्सपर्ट दीपेंद्र सहजपाल खुद साइकिल चलाते हैं यहाँ दिल्ली से वो पहुँच गए ले कन्याकुमारी पहुँच गए साइकिल पे जी हाँ बड़े जोखिम भरे काम करते हैं और टूर डे फ्रांस चल रहा है जिसके बारे में हम कुछ चैनल्स में सुनते रहते हैं पढ़ते रहते हैं कुछ अखबारों में लेकिन ये टूर डे फ्रांस है क्या आइए जानते हैं दीपेंद्र सहजपाल से स्वागत कर रहा हूँ दीपेंद्र जी आज का आप नमस्कार मुनीश जी बहुत बहुत आपसे दोबारा बात करके बहुत खुशी हो रही है और आज साइकिलिंग करके आए हैं या अभी जाने की तैयारी है बस मैं आज साइकिलिंग सुबह करके आ चुका हूँ ओके उतना आसान होता है दिल्ली और आसपास के इलाकों में साइकिलिंग करना जी अगर आप सुबह जल्दी निकले जब ट्रैफिक आवर्स नहीं होते और आपने सारी जितनी भी सेफ्टी मेजर्स ले रखी है तो आसान होता है सुबह का वक्त क्या है जो आप बता रहे हैं हम लोग सुबह अमूमन 5:30 बजे शुरू कर देते हैं साइकिलिंग और ये कोशिश करते हैं कि 6:30 बजे तक वाइंड अप कर दें बड़ी तारीफें सुनता हूँ आपका कि आप एवरेज स्पीड आपकी बड़ी अच्छी है आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है एवरेज स्पीड आप 40-45 किलोमीटर प्रति घंटा निकालते हैं जो एक बहुत अच्छी बात है नहीं इतनी ये जो स्पीड है ये तो बिल्कुल स्पीड है हम लोग की एमएचएस स्पीड है हम लोग थोड़े 40 से थोड़ी कम रहती है लेकिन अगर शॉर्ट डिस्टेंसेज हो तो आ जाती है उतनी स्पीड लेकिन लॉन्ग डिस्टेंसेज पर इतनी स्पीड नहीं आती है लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि फिट रहे और अपना पूरा दमखम लगाएं इसके अंदर वंडरफुल कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुए 2010 में दिल्ली में तो मेरा सौभाग्य था कि आकाशवाणी की कमेंट्री टीम में मैं भी था और साइकिलिंग का इवेंट हम लोग कवर कर रहे थे मैं और कुलविंदर सिंह कंग हमारे जाने माने कमेंटेटर हैं आकाशवाणी के तो हमारी मुलाकात हुई एना मेयर्स से एना मेयर्स ऑस्ट्रेलिया की जानी मानी साइकिलिस्ट गोल्ड जीत चुकी हैं ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था डॉक्टर्स ने कहा कि ये दोबारा साइकिलिंग नहीं कर सकती फिर आई और गोल्ड जीत गई ऐसी कहानियां बहुत सारी हैं हर स्पोर्ट में लेकिन आपको ये देखते हुए जब मैं जानता हूं कि आप यू नो आपका एक बहुत अच्छा दौर रहा कॉर्पोरेट की दुनिया में आपने मतलब वो जॉब की और छोड़ी और साइकिलिंग की वजह से आपने जॉब छोड़ के एक सबैटिकल काइंड ऑफ अ थिंग आपने कर दिया बड़ा अजीब लगता है सुन के एक्चुअली क्या होता है जब कोई पैशन आपको अपनी तरफ खींचता है और उसको आप पुरजोर तरीके से बिल्कुल फॉलो करें तो फिर आप में वो हिम्मत आ जाती है फिर आप में वो विजन आ जाती है कि आप उसको पूरी तरह फॉलो कर पाते हैं अगर आप उसको आधे मन से करते हैं तो फिर आप नहीं जा सकते उसको क्योंकि मेरा ये एम था कि मैं इसमें जितने भी एमेच्योर इवेंट्स हैं उनमें पूरी तरह से उसको उसमें पार्टिसिपेट करूं और उसमें एक अपना बेस्ट दे पाऊं तो इसलिए मेरे में ये हिम्मत आई दीपेंद्र जी फ्रांस आप भी जा चुके हैं पेरिस गए वहां साइकिलिंग के लिए ही और टूर डे फ्रांस एक बहुत बड़ा इवेंट होता है सबसे बड़ा इवेंट अगर मैं गलत नहीं हूं तो विश्व में साइकिलिंग की दुनिया में हमारे श्रोताओं को बताइए वो होता क्या है और ये बताइए कि हमारे भारतीय साइकिलिस्ट अगर गए हैं तो कौन नहीं गए तो क्यों नहीं गए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ टूर डे फ्रांस ना केवल साइकिलिंग की बल्कि किसी भी स्पोर्ट्स की मैं उसको सबसे शीर्ष कॉम्पिटिशन समझता हूँ उसकी वजह यह है कि कोई और स्पोर्ट इतने बड़े स्केल पे नहीं होता कि वो इतने बड़े क्षेत्र में किसी एक देश में और 21 स्टेजेस में 24 दिन में हो और एक अनुमान के अनुसार जो सुपर बॉल है अमेरिका में उसकी जो व्यूअरशिप है उससे कई गुना व्यूअरशिप टूर डे फ्रांस की होती है 190 देशों में लगभग 3 बिलियन लोगों द्वारा ये देखा जाता है एक अनुमान के अनुसार तो ये इतनी बड़ी प्रतियोगिता है बहुत शीर्ष प्रतियोगिता है साइकिलिंग की 1903 में ये इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में जो अभी चल रहा है इसका ये 103वां संस्करण चल रहा है और ये साइकिलिंग की जो शीर्ष बॉडी है यूसीआई उसके द्वारा आयोजित की जाती है इसमें मोटा मोटा ये होता है कि साइकिलिंग की टीम्स होती हैं हर टीम में 9 साइकिलिस्ट होते हैं उनका एक लीडर होता है जिसको वो कोशिश करते हैं जितवाने की तो उसमें एक लीडर होता है उसी के आधार में पूरी टीम उसके ऑलमोस्ट सरेंडर मिल जाती है उसकी कि वो जैसे चाहता है उसको आगे रखते हैं उसको जिताते हैं तो इस साल की जो प्रतियोगिता है इसमें 22 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं 18 प्रोफेशनल यूसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त टीम्स हैं और 4 टीमें जो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री दी है जिनको यूसीआई ने तो टोटल 22 टीमें हैं हर टीम में 9 साइकिलिस्ट हैं 198 साइकिलिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये 3535 किलोमीटर की लंबी रेस होती है जो कि 21 स्टेज में होती है
फ्रांस या उसके आसपास के किसी क्षेत्र से शुरू होके ये 21वीं स्टेट में जाके जो राजधानी पेरिस है जहाँ पे उनका आर्क डी ट्रायंफ जो कि बहुत ही उनका महान एक स्मारक है वहां पे खत्म होती है जॉन लीजे में। तो ये इस तरह से पूरी जो इसकी एक रूट होती है उसमें सपाट और माउंटेन ये जो अपने ऊंचे नीचे जितने भी हैं और हिली और माउंटेनस सारे सब तरह साइकिल को टेस्ट किया जाता है। तो ये इस तरह से साइकिलिंग की ना केवल बहुत बड़ी प्रतियोगिता है बल्कि दुनिया की बहुत बड़े खेलों में इतना प्रतियोगिता है, बहुत बड़ी की फॉलोइंग है इसमें। अब इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत दमखम चाहिए होता है। और आपको ये बता दूं उसमें कि इसमें जीतने या हारने वालों का कैसे डिसाइड करते हैं। इसमें ऐसा होता है कि चार तरह की प्राइज लोग जीतने की कोशिश करते हैं। एक होती है ऐसे कहते हैं जनरल क्लासिफिकेशन, यानी कि हर रोज की स्टेज में जिस व्यक्ति ने सबसे कम टाइम लिया है उसके टाइम को जोड़ते जाते हैं और देखते हैं कि 21वीं स्टेज के बाद जाके किसने कितना सबसे कम टाइम लिया है वो ओवरऑल विनर है। जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिस्ट हर रोज जीत रहा हो या कोई और प्रतियोगिता जीत रहा हो, लेकिन जिसने ओवरऑल सबसे कम टाइम लिया है वो जीसी विनर माना जाता है। और हर रोज देखते हैं टाइम कहाँ पर है और उस हिसाब से जिसका सबसे कम टाइम होता है उसको येरो जैसे दी जाती है। इसके अलावा इसमें होता है एक स्प्रिंटर की प्रतिस्पर्धा होती है, स्प्रिंटर यानी पेस चलाने वाले, उन्हें कहते हैं पॉइंट क्लासिफिकेशन। वो लोगों को हर रोज एक ग्रीन जर्सी दी जाती है और 21वीं स्टेज के बाद जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट लिए होते हैं स्प्रिंटिंग में उसे ग्रीन जर्सी दी जाती है। उसके अलावा ये देखते हैं कि कौन कितना अच्छा क्लाइम कर सकता है माउंटेन को, तो उनको उनको कहते हैं किंग ऑफ माउंटेन जर्सी, उन्हें पोल्का डॉट जर्सी दी जाती है। इसी तरह जूनियर एलो जर्सी है, यानी कि जो 26 साल के उम्र के कम राइडर्स हैं वो ओवरऑल क्लासिफिकेशन में जो हाथ करते हैं उनको वाइट जर्सी दी जाती है। तो ये लिस्ट मोटा मोटा खाता है, लिस्ट बहुत बहुत लंबी है, लेकिन साइकिलिंग का गढ़ बन गया है यू नो फ्रांस, और ये जो टूर डी फ्रांस की वजह से बहुत सारे साइक्लिस्ट वहाँ जाना चाहते होंगे। भारत के साइक्लिस्ट कहाँ रहते हैं? देखिए क्योंकि ये स्पोर्ट जो है इसमें हमेशा से वर्कर्स यूरोपियन कर रहा है और अमेरिकन टीम भी रह ही रही है। इसकी वजह ये है कि ये स्पोर्ट में कई ऐसी जरूरतें हैं जो हमारे देश से पूरी नहीं हो पाती। एक इक्विपमेंट की जरूरत है जो कि बहुत एडवांस इक्विपमेंट होता है, उसकी अवेलेबिलिटी हमारे देश में बहुत साल पहले तक नहीं थी, अब शुरू हुई है। तो हमारे यहाँ भी अब साइकिलिंग का वो लेवल आना शुरू हुआ है लेकिन कुछ टाइम लगेगा। दूसरा ये है कि इसमें क्योंकि ये टीम स्पोर्ट है, 9 साइकिलिस्ट एक संघ चाहिए होते हैं उस लेवल के जो एक लीडर बनाते हैं, तो उस तरह की प्रतिस्पर्धाओं में हमारे भारतीयों ने अभी भाग लेना शुरू नहीं किया है। पर लेकिन जरूर ऐसा होगा आने वाले दिनों में हो पाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कई लेवल पे छोटी प्रतिस्पर्धाएं बनने लगी हिंदुस्तान के अंदर। किसी भी भारतीय ने अभी तक टूर डी फ्रांस में भाग नहीं लिया है, लेकिन हमारी कुछ टीम्स जो है जो प्रोफेशनल टीम्स हैं जो कि थोड़ी ऑस्ट्रेलिया में और कंट्री में आकर पार्ट ले रही हैं, तो उससे काफी उम्मीद बनती है। ओलंपिक्स आने वाले हैं, साइकिलिंग एक बहुत मेजर इवेंट है, क्या लगता है कौन से देश का दबदबा रहेगा ओलंपिक्स में साइकिलिंग में? देखिए इसमें जो हमारे टूर डी फ्रांस के बड़े साइकिलिस्ट हैं तो उन्हीं वही अपने देशों को उसमें प्रदर्शन करते हैं। तो इनमें से कोई भी जो बड़ा नाम है हमारे पास जैसे पीटर सगान है, क्रिस फ्रूम है और कैवेंडिश है, ये इस तरह के लोगों का वर्चस्व रहने वाला है इसके अंदर। दीपेंद्र सहजपाल जी की आवाज़ आप सुन रहे हैं, खुद साइकिलिंग से इतना लगाव हो गया है कि उसके बगैर रह नहीं पाते। कितनी साइकिल्स हैं आपके पास दीपेंद्र पाल जी घर पे? साइकिल के बारे में कहते हैं कि आपके पास होनी चाहिए N प्लस 1 साइकिल, N माने जितनी आपके अभी हैं। ओके तो मेरे पास अभी 4 साइकिल हैं और तो मैं 5वीं का इंतजार कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपने टूर डी फ्रांस को इतने विस्तार से बताया। और साइकिलिंग से ही एक जुड़ी मूवी भी बनी थी, जो जीता वही सिकंदर, उसी फिल्म का एक गाना चला रहा हूँ, एक डेडिकेशन हमारी तरफ से भी साइकिलिस्ट के लिए। और आपसे यूं ही बात करते रहेंगे, ओलंपिक्स के दौरान भी चर्चा करते रहेंगे साइकिलिंग की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए अब आशा करता हूँ हमारे श्रोता उसे फॉलो करेंगे, हम भी फॉलो करेंगे। शुक्रिया।